वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि YT स्टूडियो में जो टाइमिंग शो होता है वीडियो अपलोड करने का, वो सही तरीका है या नहीं है। जैसे क्रोम ब्राउजर में या फिर YT स्टूडियो में भी शो होता है, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे वीडियो अपलोड करना चाहिए। ऐसा ऐसा बहुत सारे वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो इस टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं एंड इस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड भी किए हुए हैं कि आप YT स्टूडियो में अपना टाइमिंग दिख लो कि 3 से 4 बजे तक में, या फिर 12 बजे, या फिर 6 बजे, या 7 बजे, कभी भी आपका जो टाइमिंग शो हो रहा है उस टाइमिंग पे वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो आपके यूट्यूब चैनल में अच्छा खासा व्यू जाने लगेगा। मगर गाइज, ये जो तरीका है वो 110% गलत तरीका है, क्योंकि ऐसा ट्रिक मैं भी अप्लाई करके देख चुका हूं एंड व्यू नहीं आता, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर होंगे, यहां तक आप भी यही काम कर चुके होंगे कि आपने YT स्टूडियो एंड क्रोम ब्राउजर में देख के अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड करने का सही टाइमिंग, ठीक है, देख के आपने अपलोड किया होगा बट आपके चैनल में व्यू नहीं आया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ शो होता है, वही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे चले जाएंगे एनालाइज में, ठीक है, आपको मेरा स्क्रीनशॉट बगल में दिख रहा होगा। तो एनालाइज में जाने के बाद ऑडियंस में चले जाएंगे एंड ऑडियंस में चले जाने के बाद यहाँ पे शो होता है मैप, कौन सा दिन आपका कितना बजे आपका जितना भी व्यूअर है वो यूट्यूब में ऑनलाइन रहते हैं वो यहाँ पे आपका टाइमिंग शो करेगा, ठीक है, आपके व्यूअर के प्रति। बट अगर इस टाइमिंग पे आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो में व्यू नहीं जाएगा, आपको मैं सही तरीका बताने वाला हूँ। तो इसीलिए गाइज, आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल में अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से रेगुलर वीडियो देखते रहने के लिए। तो गाइज, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे है ना, इंडिकेट कर रहा है कि इतना टाइमिंग पे वीडियो अपलोड करना है, बट ये सही तरीका नहीं है। अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ, चाहे आपका टेक चैनल हो, चाहे ब्लॉग चैनल हो, चाहे कुकिंग चैनल हो, चाहे किसी भी इससे रिलेटेड आपका चैनल हो, तो क्या करना है गाइस, सिंपल तरीका है। आपका अगर टेक से रिलेटेड होगा तो मनोज दे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर ब्लॉगिंग से रिलेटेड होगा तो आप पीयूष जोशी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आपके कैटेगरी में जो आपके व्यूअर्स हैं, मतलब उसी टाइप का जैसे जो बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, उससे रिलेटेड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा उन चैनल को, और जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तो वही टाइमिंग पे आपको भी वीडियो अपलोड करना है। जैसे कि अगर वो 1 बजे अपलोड करते हैं तो आपको 1:15 या फिर 20 मिनट के आसपास में वीडियो को अपलोड करना है, या फिर एक उससे 5-10 मिनट पहले भी आप अपलोड करोगे तो चलेगा, ठीक है। बट गाइस, क्या है कि जब आपके आप जब बड़े यूट्यूबर जब वीडियो अपलोड करते हैं तो उस समय में अगर आप भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उनका जो वीडियो में व्यू जाएगा, सजेशन में आपका भी वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें ब्राउज फीचर आपको मिलेगा एंड आपका वीडियो में 110% व्यू जाएगा। गाइस, आप एक ये ट्रिक को अप्लाई करके देख लीजिएगा, इसी तरह से मैं भी अप्लाई किया हूं एंड मेरा 3 से 4 हज़ार सब्सक्राइबर होने चला एंड मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो तरीका मैं आपको बताया, ये सेम तरीका आप एक बार अप्लाई करके देखिए, आपके चैनल में 110% व्यू आएगा गाइस, ठीक है। जो तरीका मैंने बताया, ये जो टाइमिंग आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये टाइमिंग को आपको लेके नहीं चलना है, आपसे रिलेटेड जो बड़े यूट्यूबर है, ठीक है, उसका कॉपी करना है। जब वो वीडियो अपलोड करते हैं तुरंत ही आप अपलोड कर दीजिएगा। तो कैसे आप अपलोड कीजिएगा उसका भी तरीका मैं आप सभी को बता दूंगा। जैसे कि आप मनोज देखे होंगे, वो जब 12 बजे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा वो 12 बजे 1 बजे अपलोड करते हैं। अभी तो वो बड़े यूट्यूबर बन गए, तो कभी भी अभी अपलोड करें तो उनका चैनल में व्यू 110% आना ही रहता है, ठीक है। बट गाइस, क्या करना है कि आपको ऐसे क्रिएटर को सब्सक्राइब करके रखना है जो कि उसका टाइमिंग बांधा हुआ है, ठीक है। अगर वो जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं उससे 20 मिनट पहले वीडियो को अपलोड कर लीजिए अनलिस्टेड मोड पर करके, देन आपको वहाँ पर जैसे ही वो अब वीडियो को पब्लिश करते हैं वैसे आप भी तुरंत जाइए एंड वीडियो को पब्लिश कर दीजिएगा। इसे क्या होगा कि आपके चैनल पे 110% व्यू आएगा एंड आपका चैनल भी ग्रो होगा एंड सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा एंड आपका यूट्यूब चैनल जल्दी जल्दी मोनेटाइज भी हो जाएगा। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा एंड ये ट्रिक को एक बार अप्लाई करके देखिए, अगर ये यूजफुल होगा तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पे आके गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में कोई नई वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।